आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लियर है ना। तो लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिज्म भी सेपरेटली पढ़े ना। अब हम लोग दोनों के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। पहले ध्यान से समझना हर चीज को, तभी तुमको आगे समझ में आएगा। तो ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम लोग समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या सबसे पहले, और इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो, ये एग्जाम में नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट, बट ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करके भी देखेंगे, और इसका जो बेसिक आइडिया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो समझेंगे। तो देखो चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू क्या था मेरा, चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू ये दो यूनिट में था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किए और भी कुछ स्टडी किए थे, और चैप्टर नंबर थर्ड था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर नंबर जो आपका फोर्थ और फिफ्थ हम लोग देखें, चैप्टर नंबर फोर्थ और फिफ्थ ये मैग्नेटिज्म में था। तो मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसके बारे में स्टडी किए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो याद ध्यान, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब ये दोनों के बीच हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है वो लोग समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोसेस है, क्या है प्रोसेस, या एक फेनोमेनन, क्या है फेनोमेनन, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो फिक्स नहीं, वो चेंज करता हो, क्या करता हो चेंज। तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एकदम क्लियर है, जितने भी चैप्टर्स हैं सब बेसिक है, समझना रहे ना। जो पहले दो चैप्टर थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो दो चार्ज के बीच फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी कैसे होता है, बहुत कुछ हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, गॉसेस थ्योरम पढ़े थे, कैपेसिटेंस पढ़े थे ना। तो वहां पे टोटल और टोटल हम लोग चार्ज एट रेस्ट पढ़े थे, और चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पर क्या पढ़े थे फ्लो ऑफ चार्ज, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे फ्लो ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, या मोशन ऑफ चार्ज पढ़े थे। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट पढ़े थे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग करंट के बारे में पढ़े थे, बट यहाँ पे करंट का इफेक्ट पढ़े थे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। करंट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, करंट। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कोई रिलेशनशिप है दोनों के बीच, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग चीज है, या दोनों के बीच कोई लिंक है। जैसे अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई रिलेशनशिप है, लेकिन ये दोनों के बीच रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो इसका मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक चीज, मैग्नेटिक ऑब्वियसली मैग्नेटिक बात करा है, और इंडक्शन हम लोग पढ़े थे, इंडक्शन एक होता है प्रोसेस, क्या होता है प्रोसेस। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी पढ़े थे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़े थे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या करते थे, एक चार्ज बॉडी, क्या है चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी के नजदीक में एक अनचार्ज बॉडी को लाते थे तो ये चार्ज हो जाता था, बिना कोई कॉन्टेक्ट, बिना कोई कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे भी बिना कॉन्टेक्ट, ये दोनों फील्ड के बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस फील्ड, उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी किया गया फैराडे के द्वारा, इसके द्वारा माइकल फैराडे, और उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक एक करके हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, क्लियर है ना। यहाँ ध्यान देना है, देखो सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और सिंपल सिंपल, इसलिए तुम लोग को फिजिक्स नहीं जाता है, फिजिक्स बहुत आसान है। तो फैराडे ने क्या किया ना, एक गैल्वेनोमीटर लिया, पहला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करें,
देखो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ये चैप्टर नंबर 5 है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट जानना जरूरी है। सबसे पहला है ये चैप्टर 6 ना, चैप्टर 6 तो हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट जब भी हम लोग कोई करते हैं तो हम लोग को सेटअप चाहिए ना। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट देख रहे, देखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट, देखो जो मेन तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है उसके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लिया, क्या लिया, गैल्वेनोमीटर, क्लियर है ना, और एक क्वाइल लिया, क्या लिया, क्वाइल। क्वाइल किसको बोलते हैं, क्वाइल बोलते हैं जहां पे सर्कुलर वायर हो, टर्न्स, वैसे ये है तुम्हारा क्वाइल, ये तुम्हारा क्या है, क्वाइल। अरे बोलो यार, तो यहाँ पे बहुत सारा टर्न्स है, हम बहुत सारा टर्न ना लेके एक सिंगल टर्न ही ले रहे हैं, कितना ले रहे, सिंगल टर्न, एक ही टर्न के ऊपर बहुत सारा टर्न लगा हुआ, देखो एक सर्कुलर क्वाइल है ना यार, बोलो यार। अब इस सर्कुलर क्वाइल का मतलब ये कॉपर का वायर है, दोनों एंड फ्री है, एक एंड को तुम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर लगा दो, दूसरा लगा दो नेगेटिव, या दोनों को एक एक टर्मिनल से लगा दो, तो ये है क्वाइल, क्या है, क्वाइल, जो कि है स्टेशनरी, जो कि क्या है, स्टेशनरी, मतलब रेस्ट पे रखा हुआ इसे लगा के। अरे हाँ या ना, और एक हमने बार मैग्नेट लिया, क्या लिया, बार मैग्नेट। अरे बोलो यार, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, पलट के भी रख सकते हैं, समझना है। तो क्या क्या लिया गया इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्वाइल को लिया गया, क्या लिया गया, क्वाइल, और इस क्वाइल को किसके साथ कनेक्ट किया गया, गैल्वेनोमीटर के साथ, और एक बार मैग्नेट को लिया गया, क्या लिया गया, बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट भी स्टेशनरी है, अभी रोक के रखे हैं, समझ में आ रहा है ना। और इस बार मैग्नेट को इस क्वाइल के एक्सिस के अलोंग में रखे, समझ में आ रहा है ना। किस कोई कोई पाना हुए क्या, ये रिंग जो होता है यहाँ पे हाथ में पहनते, तो पाने हुए क्या, देखे तुम लाओ, तुम लाओ, पास करो, देखो ये तुम्हारा क्वाइल, ये तुम्हारा क्या है, क्वाइल, पहले समझना बहुत आसान है। तो ये क्वाइल का देखो यहाँ पे ये तो ज्वाइंट है ना यार, क्लोज है ना, यहाँ से कट कर दो तो एक वाला एंड को गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल के साथ, दूसरे वाले एंड को गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड के साथ कर दिए ना। और ये है तुम्हारा बार मैग्नेट, ये तुम्हारा क्या है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को कैसे रखे वो देखना है, बार मैग्नेट को इसके एक्सिस के अलोंग रखे, देखो कोई टच है ये दोनों के बीच, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, ना क्वाइल ना बार मैग्नेट, सिर्फ क्या किए हुए, देखो क्वाइल का एक्सिस किसको बोलते हैं, क्वाइल का एक्सिस बोलते हैं उसको जो सेंटर से पास करता है, कहां से पास करता है, सेंटर, इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला लाइन दिख रहा है क्या, तो इसी एक्सिस के अलोंग में हमने एक बार मैग्नेट को रखा, समझ में आ रहा है क्या, आया ना, दोनों स्टेशनरी, दोनों क्या है, स्टेशनरी। सबसे पहले बताओ गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, तो गैल्वेनोमीटर का काम है कि ये करंट को डिटेक्ट करता है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, नहीं yes, अगर इस क्वाइल में करंट आ गया, अगर इस क्वाइल में करंट है तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट। लेकिन अभी तुम देख सकते हो ये क्वाइल जो है वो किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है क्या, कोई सप्लाई के साथ, अरे हाँ या ना, तो ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो फैराडे ने क्या देखा कि जब क्वाइल और ये बार मैग्नेट दोनों को स्टेशनरी रखे, क्या रखे, स्टेशनरी, ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, पहला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बताता है कि अगर ये क्वाइल और बार मैग्नेट दोनों को स्टेशनरी रखें विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों रेस्ट पे, तो ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इस क्वाइल में भी कोई करंट नहीं है। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट में क्वाइल को स्टेशनरी रखा, क्वाइल को क्या रखा, स्टेशनरी, क्वाइल को ऐसे स्टेशनरी रखा है, और ये तुम्हारा बार मैग्नेट, ये तुम्हारा क्या है, बार मैग्नेट, स्टेशनरी था पहले। अब इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सबसे पहले देख सकते हो कि नॉर्थ पोल इसके नियर है ना, तो मैं मान लेता हूँ ये वाला नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ, तो नॉर्थ पोल को सबसे पहले इसने मूव कराया टुवर्ड्स द क्वाइल, टुवर्ड्स द क्वाइल, क्वाइल को स्टेशनरी रखा, सिर्फ इसको मूव करा रहा है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, और ये जैसे मूव कराया ना वैसे यहाँ गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्ट, क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। फिर से देखो कोई टच नहीं है, ना ही ये क्वाइल किसी सोर्स के साथ लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या, नहीं, लेकिन जैसे बार मैग्नेट को इसके एक्सिस के अलोंग में मूव करवाया तो गैल्वेनोमीटर क्या शो किया, डिफ्लेक्शन, और अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया इसका मतलब इस क्वाइल में क्या आ गया है, करंट।
क्या गया है? करंट। क्लियर है क्या? यस सर। अरे है नहीं? यस। और करंट कहाँ से मिलता है? बैटरी से या ये सप्लाई से। और बैटरी क्या होता है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। फिर उसने क्या किया, यहाँ ध्यान दो। उसके बाद क्या किया, अभी उसने नॉर्थ पोल को मूव करा रहा था ना टुवर्ड्स द क्वाइल, अब नॉर्थ पोल को अवे मूव करा रहा है। नॉर्थ पोल को क्या करा है? अवे। फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ? फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो गया? चेंज। आया ना? मतलब फिर से करंट आया, लेकिन करंट का डायरेक्शन इसमें क्या कर गया? चेंज। अब इसने उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, एक्सपेरिमेंट को क्या किया? रिपीट। पहले नॉर्थ पोल मूव करा रहा था ना, अब साउथ पोल को मूव करा रहा है। क्या मूव करा रहा है? साउथ पोल। तो साउथ पोल को जब मूव करा है टुवर्ड्स द क्वाइल, स्टेशनरी क्वाइल, और अवे फ्रॉम द स्टेशनरी क्वाइल, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। मतलब जब तक हम लोग मूव कराते रह रहे थे बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द स्टेशनरी क्वाइल, तब तक डिफ्लेक्शन कर रहा था। जैसे रोक देते थे, डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता था? बंद हो जाता। तो सबसे पहले बताओ कि मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ ये नहीं? जैसे मैं मान लेता हूं कि सिंपल से याद रखो, मेरा ये हाथ है, सिंपल सिंपल, और ये यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे क्या है? कैंडल। तो कैंडल का लाइट आके हाथ पे पड़ेगा, देखा ये नहीं? यहाँ पे अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं रहता, यहाँ पे कैंडल जलाते तो तुमको दिखता ना हाथ, यस? मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे, इस कैंडल को अगर क्लोजर ले जाए, क्या ले जाए? क्लोजर। तो जो इंटेंसिटी इस पे तुमको पड़ रहा है हैंड पे, अगर बहुत क्लोज ले जाएंगे तो उसका तुम ये इंटेंसिटी को फील कर सकते हो, कर सकते हो ना? इसका मतलब जब क्लोजर ले जा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अवे ले जा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या करें? घटा रहे हैं। और अगर फिक्स कर दें तो इंटेंसिटी फिक्स होगी। उसी तरह अगर बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द क्वाइल में मूव करा रहा था या अवे फ्रॉम क्वाइल मूव करा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा था? चेंज। अरे हाँ या ना? क्लोज है, याद रखना। और जब इसको फिक्स कर दिए तब भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है। देखो क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलता है? नॉर्थ। तो यहां से निकलेगा, लेकिन बगल में रखा हुआ है क्वाइल, रखा हुआ है ना? yes, तो यहां से निकलेगा ऐसे क्वाइल से पास होते हुए, फिर कहां पे आएगा? साउथ। अरे हाँ या ना? yes, तो जब हम लोग इस नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द क्वाइल या अवे फ्रॉम क्वाइल मूव करा रहे थे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक था इस क्वाइल के साथ, वो क्या कर रहे हैं? चेंज। इसमें क्या आपका आ रहा था? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आ रहा था, मतलब क्या आ रहा था? करंट। अरे है नहीं? और करंट कहां से मिलता है? बैटरी से। और बैटरी में एक टर्म हम लोग डिफाइन किए थे, ईएमएफ। क्या बताए थे? ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। ये वाला एक्सपेरिमेंट। अब इसको सेम एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, अब बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दो। क्या कर दो? बार मैग्नेट को स्टेशनरी, और क्वाइल को मूव कराओ। क्या कराओ? क्वाइल को। क्वाइल को मूव कराओ टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम मैग्नेट, टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम मैग्नेट, तो भी इसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, आया ना? yes, और जब स्टेशनरी रख दे रहे थे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। तो ये पूरे जो एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक ही कंक्लूजन निकला कि जब जब हम लोग आपका बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे स्टेशनरी क्वाइल से, या बार मैग्नेट स्टेशनरी क्वाइल को मूव करा रहे थे, तो जो क्वाइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था ये ना, वो क्या कर रहा था? चेंज। क्या कर रहा था? चेंज। और उसी चेंज के कारण आपको क्या आ रहा था? करंट। डिफ्लेक्शन मतलब क्या आ रहा था? करंट। हाँ नहीं? तो इससे कंक्लूजन आया कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक, इनफैक्ट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ कैन बी इंड्यूस। ईएमएफ बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। पहले धीरे धीरे हम लोग मूव करा रहे थे, ठीक है मेरे भाई? क्वाइल स्टेशनरी है, बार मैग्नेट को अगर स्लोली मूव करा रहे थे तो डिफ्लेक्शन कम था। अगर तेजी से मूव करा रहे, क्या करें? फास्टर। Are you getting? Yes, sir. If the north pole of the coil, sorry, this bar magnet is moved towards the coil or away from coil, fast, मतलब fast अगर हम लोग move करा रहे हैं, quickly अगर move करा रहे हैं, तो इसमें जो deflection भी था वो क्या था? Greater, ज्यादा आ रहा था। है नहीं? मतलब ज्यादा करंट आ रहा था। तो अगर तेजी के साथ तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो क्या आएगा? करंट भी ज्यादा आएगा, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर टू।
एक्सपेरिमेंट नंबर टू। तो एक्सपेरिमेंट नंबर टू में क्या किया ना, इसने बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया। बार मैग्नेट को क्या कर दिया, रिप्लेस। इसने दो क्वाइल लिया, क्या लिया, क्वाइल। देखो ये आपका क्वाइल वन और ये आपका क्वाइल टू। ये आपका क्या क्वाइल टू, ये आपका सी टू और ये आपका सी वन। क्वाइल टू को गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो इसमें तो कोई करंट का सोर्स है नहीं, तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा, नहीं। और ये जो फर्स्ट वाला क्वाइल है, इस क्वाइल को एक बैटरी के साथ लगाया, किसके साथ, बैटरी। ये आपका बैटरी है, अरे है नहीं। और इस की को हम लोग बोलते हैं टैप की, क्या बोलते हैं, टैप की। हाँ ये नहीं, तो दो क्वाइल है, दोनों को सामने सामने रखा, ऐसे रखा है, याद नहीं रखना नहीं भैया, ऐसे ऐसे रखा हुआ है क्वाइल। क्वाइल का जो फेस है ना वो कुछ ऐसे है, ये पहला क्वाइल है ना, इसी के सामने दूसरा क्वाइल को रखा, बहुत क्लोज। अरे बोलो यार, yes, एक नीचे गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ, एक नीचे बैटरी के साथ। अरे हाँ या नहीं, yes, तो पहला ये तुम्हारा सेटअप है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट था कि उसने देखा कि जब ये टैप की ओपन था, टैप की क्या था, ओपन, तो क्वाइल सी वन में कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे के वैसे रहने दो। टैप की ओपन था, टैप की क्या था, ओपन, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, अरे है नहीं। और उसने क्या किया, टैप की को स्लोली प्रेस किया, क्या किया, स्लोली, अरे है नहीं। तो जैसे जैसे ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये कंप्लीटली जब कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो धीरे धीरे कॉन्टेक्ट में आता है ना। रेलवे का जो होता है फाटक, वो देखे हो कैसे खुलता है, देखो एक रॉड लगा होता है, जैसे एक रास्ता ऐसे जा रहा है ना, तो एक बहुत सारा बड़ा रॉड लगा होता है, इस पार से उस पार जाता है, और जब ये ओपन होता है ना, तो पहले उस साइड वाला खड़ा होता है, अरे है नहीं, तो उधर वाला आदमी जल्दी से निकल जाता है, अरे है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी टैप की है, वैसे ही जब क्लोज होता है, क्या होता है, क्लोज, तो ये वाला पहले क्लोज होगा, ये ऐसे क्लोज, तो जब ये पूरा पैरल हो जाता है, कंप्लीटली क्लोज, अरे हाँ ये नहीं। yes, तो टैप की का मतलब यही है, अगर इसको स्लोली प्रेस करोगे तो करंट इसमें सडनली फ्लो नहीं करेगा, करंट इसमें सडनली इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज, अरे हाँ ये नहीं। yes, और जब कंप्लीटली प्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट पूरा फुल का फुल बहने स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है ना, क्लियर है। yes, तो उसने क्या किया कि अब टैप की को प्रेस किया, जब टैप की को प्रेस किया तो इसमें करंट धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट किया, मतलब चेंज करना स्टार्ट किया, बढ़ने लगा, और जैसे जैसे बढ़ रहा था तो उसने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर, जबकि ये गैल्वेनोमीटर में कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है, कोई बैटरी लगा हुआ है क्या, नहीं, हाँ ये नहीं, अरे क्लियर है। yes, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो आया नहीं, आया क्या, आया है भैया, यहाँ पे किसी में भी अगर करंट फ्लो करता तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना जी, एक क्या बन जाएगा नॉर्थ, दूसरा क्या बनेगा साउथ। तो बेसिकली करंट कैरिंग क्वाइल क्या होता है, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को सिंपली किससे रिप्लेस किया, क्वाइल से, और करंट कैरिंग क्वाइल क्या होता है, बार मैग्नेट। और जब ये कंप्लीटली प्रेस हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, प्रेस, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा कॉन्स्टेंट, करंट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। और जब करंट फिक्स्ड हो गया तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, फिर इसने इसको स्लोली ओपन किया, स्लोली क्या किया, ओपन, तो फिर से डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स, अरे हाई नहीं। और अगर तेजी के साथ ये क्लोज और ओपन कर रहा है, क्लोज और ओपन, तो इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ है। अगर लंबे समय तक इसको क्लोज करके रखो, नो डिफ्लेक्शन, लंबे समय तक ओपन करके रखो, नो डिफ्लेक्शन, हाँ या नहीं। लंबे समय तक क्लोज करके रखोगे तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, फिक्स, और करंट अगर फिक्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो ये प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स। मेन होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज, क्या होना चाहिए, चेंज, क्लियर है ना। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन से एक ही कंक्लूजन निकला कि अगर कोई क्वाइल, जैसे यहाँ पे ये क्वाइल था और यहाँ पे ये क्वाइल है, अगर किसी भी क्वाइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन तुम्हें दे दिया हूं, वो अगर टाइम के साथ चेंज करता, टाइम के साथ क्या करता, चेंज, तो क्या मिलेगा, ईएमएफ, क्या मिलेगा, ईएमएफ, अरे बैटरी मिलेगी, अरे हाँ या नहीं। yes, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, हाँ या नहीं, जब उसे कोई करंट नहीं लेते, क्लियर है क्या। yes, sir. तो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्विक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
चलो EMF, ये लिखना है डेफिनेशन सबको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जल्दी से करो, लिखो द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, ये होता है ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ईएमएफ, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक्ड विथ अ क्वाइल और कंडक्टर, is known as electromagnetic induction. हो गया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सपेरिमेंटली किसके द्वारा स्टडी किया गया? फैराडे, माइकल फैराडे. तो दो एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट से लिखो कैसे एक्सपेरिमेंट था. एक्सपेरिमेंट नंबर वन, उसने क्या लिया, एक बार मैंने पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ये आपका नॉर्थ पोल प्लॉट के भी लिख सकते हो, ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, बगल में क्वाइल रखा हुआ है इसके एक्सिस के अलोंग, और ये क्वाइल लगा हुआ है किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ. अब ऑब्वियस ही बात है कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलता है, नॉर्थ से. अरे हाँ, नहीं, अगर बगल में क्वाइल रखा हुआ है तो किससे पास करेगा, क्वाइल से होते हुए जाएगा ना. ये इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं. और अगर इसको मूव कराओ, क्या कराओ, मूव, इसको स्टेशनरी रखो, क्वाइल को क्या रखो, स्टेशनरी, और इसको अगर मूव करा नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द क्वाइल और अवे फ्रॉम क्वाइल, अरे है नहीं, yes, sir. तो इसमें क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन, या तो राइट या तो लेफ्ट, हाँ या ना, yes, अरे बोलो यार, अगर ये डिफ्लेक्ट कर गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ चुका है, करंट. करंट कहाँ से मिलता है, सेल या बैटरी से, ईएमएफ. क्लियर है ना. ये था एक्सपेरिमेंट नंबर वन, पूरा कम्प्लीटली मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ. और एक्सपेरिमेंट नंबर टू भी आप देख सकते हो, क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या सेटअप था और क्या कंक्लूजन निकला, ये हम लोग देख लिए थे. एक्सपेरिमेंट नंबर टू था कि उसने दो कोएक्सियल क्वाइल लिया, दो कोएक्सियल में दोनों का एक्सिस सेम है, एक क्वाइल को एक टैप की से कनेक्ट किया, किसके साथ, टैप की, और टैप की को स्लोली प्रेस करना, और ये तुम्हारा बैटरी है, क्लियर है ना. और दूसरा जो क्वाइल था, इस क्वाइल को दोनों स्टेशनरी रखे, अब मूव कराने की जरूरत नहीं है किसी को. ये आपका सेकेंड क्वाइल है आपका, और इस क्वाइल को उसने किसके साथ कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर जी के साथ. ये है आपका गैल्वेनोमीटर जी, ये आपका क्वाइल सी टू, आप इसको मान सकते हो, इसको क्वाइल मान सकते हो सी वन, है नहीं, अरे बोलो यार. और इसको अगर स्लोली प्रेस करो, स्लोली क्या करो, प्रेस, या स्लोली ओपन करो, तो इसमें करंट फ्लो करेगा ना. yes, और करंट कैरिंग क्वाइल किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट, क्या बन जाएगा ये, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट बन जाएगा. और अगर करंट को वेरी करो, चेंज करो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूसर है वो भी क्या करेगा, चेंज. अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, और इस किसके साथ लिंक होगा, उसी के साथ, इस सेकंड क्वाइल के साथ. अरे इधर से निकलेगा फिर किधर जाएगा, साउथ. तो बेसिक फंडा है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स. है ना. तो एक्सपेरिमेंट एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना को ये हेल्प करेगा. क्या तुम बता पाओगे अब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, एकदम एक लाइन में बोलना है कि सर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स वी कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. अरे है नहीं, या ईएमएफ, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने लिखवा दिया. हो गया क्या? yes. तो आगे हम लोग चलेंगे. तो ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद फैराडे ने लॉ दिया, क्या दिया, लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं. तो नेक्स्ट हमारा आएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखो याद है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ
EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। हो गया क्या? ओवर? यस सर। तो फर्स्ट लॉ लिखना, बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स फैराडे ने लॉ दिया। क्या दिया? लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब जो तुमने एक्सपेरिमेंट में देखा वही लिखा गया। पहला लिख, फर्स्ट देखो, व्हेन एवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन एवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्वाइल और कंडक्टर, लिंक्ड विथ अ क्वाइल और कंडक्टर कॉमन, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, लिंक्ड विथ क्वाइल और कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ आएगा अगर किसी क्वाइल और कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है और वो क्या कर रहा हो, चेंज। सेकेंड, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया वो भी उसने बताया। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux with respect to time, rate of change of magnetic flux with respect to time। हो गया। थर्ड लिखो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लास्ट, लास्ट एलएएसटी लास्ट बता देंगे, सो लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्वाइल और कंडक्टर, लिंक्ड विथ क्वाइल और कंडक्टर कंटिन्यूज, लिंक्ड विथ क्वाइल और कंडक्टर कंटिन्यूज। हो गया क्या? तो हो गया क्या? अगर हो गया तो इधर ध्यान दिया जाए। देखो, ये तीनों जो हमने लॉ लिखवाया है, दो में बुक में तो दो ही दिया, लेकिन मैं तुमको इसको आसान में ब्रेक कर दिया हूं। यहां पर ध्यान देना, एक मिनट में समझ में आएगा। तो फैराडे ने क्या बताया कि अगर कोई क्वाइल है, क्या है कोई क्वाइल, जैसे ये क्वाइल है, अरे है नहीं, जब एक्सपेरिमेंट किया था तो। अब यहां ध्यान दो सब, अब ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, और इसके एक्सिस में हमने एक बार मैग्नेट को रखा, क्या रखा, बार मैग्नेट, ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपका नॉट, ये आपका क्या है, साउथ, ये इसका एक्सिस का लाभ है। अरे बोलो यार, अभी दोनों स्टेशनरी है, अभी दोनों क्या है, स्टेशनरी, सब लोग समझेगा सबसे पहले। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, अरे निकलता है ना, और फिर कहां जाता जाएगा, साउथ, तो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, लेकिन चूंकि बगल में ये क्वाइल रखा हुआ है तो ये क्वाइल से पास करते हुए जाएगा, अरे जाएगा ना, अभी दोनों स्टेशनरी है तो कुछ फ्लक्स इससे पास कर रहा है ना जी, उस फ्लक्स का नाम मैं दे देता हूँ फाई वन, क्या दे देता हूँ, फाई वन। किसी टाइम पे मैंने इस तरह देखा दोनों करेंगे, ये क्वाइल रखा हुआ था, ये बार मैग्नेट, लेकिन अभी भी तो लिंक है ना जी, भले चेंज नहीं करा लेकिन कुछ फ्लक्स तो है ना, तो मैं मान लेता हूं लेट फाई वन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, सिर्फ फ्लक्स हम लिख रहे हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद क्वाइल, लिंक्ड विद क्वाइल एट टाइम टी वन, एट टाइम टी वन, किसी टाइम पे मैंने देखा कि 9:30 पे कितना फ्लक्स लिंक, कुछ देर के बाद टाइम तो चेंज करता है, अरे है नहीं, मैंने फ्लक्स को चेंज कर दिया, मैंने फ्लक्स को क्या कर दिया, चेंज। यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है,
अरे हाँ नहीं, तो फ्लक्स को चेंज करने का दो ही तरीका है, या तो नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराओ, या इसे क्या मूव कराओ, अवे। अरे हाँ नहीं, जैसे टुवर्ड्स द कॉइल अवे फ्रॉम कॉइल मूव कराओगे फ्लक्स क्या कर जाएगा, चेंज। अरे हाँ नहीं, और ये जैसे चेंज करेगा यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन। तो फ्लक्स चेंज कर गया, मैं मान लेता हूँ फ्लक्स चेंज होकर फाइव टू हो गया, मैं मान लेता हूँ फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल नाउ विथ कॉइल, टाइम जैसे चेंज हुआ टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, एट टाइम टी टू, एट टाइम टी टू। तो बताओ चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, अरे चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, फाइव टू माइनस फाइव वन, इसको डेल्टा फाइव लिख सकते हैं। और चेंज इन टाइम कितना हुआ, कितने टाइम में ये हुआ है, टी टू माइनस टी वन, 9:30 था, 9:31 में फाइव टू हो गया, तो 9:31 माइनस 9:30 एक मिनट के डिफरेंस में ना, तो मैं लिखूंगा टी टू माइनस टी वन, ऐसा ही फिर लेना डेल्टा टी। अरे हाँ नहीं, तो फैराडे ने पहला लॉ बताया कि अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स क्या कर रहा है, चेंज, तो ईएमएफ आएगा, क्या आएगा, ईएमएफ मतलब करंट आएगा, पहला बताया। अब कितना ईएमएफ आएगा, जितना तुम चेंज कराओ, क्योंकि देखा था कि अगर फास्टली इसको मूव करा रहा था तो कम टाइम में ज्यादा चेंज हो रहा है ना, तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, ज्यादा। तो उसने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे हाँ या नहीं, और ये डिफ्लेक्शन तब तक शो करते रह रहा था जब तक हम लोग चेंज कर रहे थे, अगर चेंज करना बंद कर दो तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था। ईएमएफ तब तक मिलेगा जब तक तुम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज को कंटिन्यू करते रहो। अरे हाँ या नहीं, अगर कंटिन्यू करना बंद कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए, तो आपका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यही तीन लॉ है, लॉ नंबर वन, फर्स्ट मेरी तरफ ध्यान देना, पहला बोलता है कि किसी भी क्वाइल या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी करंट आएगा, अगर उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो टाइम के साथ क्या करता हो, चेंज करता हो, पहला। दूसरा बोलता है कि अगर तुम ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना होगा, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना ज्यादा चेंज करा रहे हो जल्दी टाइम के साथ उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और तीसरा कहता है कि कब तक तुमको मिलेगा, ये तब तक मिलता रहेगा जब तक तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दे। अरे हाँ या नहीं, तो लॉ नंबर वन इंग्लिश में फिर मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। पहला लॉ कहता है whenever there is a change, जब कभी भी whenever there is a change of magnetic flux linked with a coil or conductor, EMF will be induced. EMF will be induced. Law number two, the magnitude of induced EMF will be directly proportional to rate of change of flux with respect to time. And third, the induced EMF will last, मतलब खत्म होगा, so long as change in magnetic flux continues. तब तक खत्म नहीं होगा या तब तक चलता रहेगा जब तक तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते रहो, चेंज कर, अगर चेंज करना बंद कर दिया तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तुम लोग निकालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इजंट इट। अरे बोलो यार, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ई से। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मॉड सिंबल लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉड से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितना चेंज इन फ्लक्स है, डेल्टा फाइव, कितना चेंज इन टाइम है, डेल्टा टी। अरे बोलो यार, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, वन देते हैं कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ या नहीं, तो इस ईएमएफ का नाम दिया गया एवरेज ईएमएफ, क्या नाम दिया गया, एवरेज ईएमएफ। अरे हाँ या नहीं, तो क्लियर है क्या, एवरेज ईएमएफ, एवरेज जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, और जो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल लिखे हैं इसका नाम दिया गया एवरेज ईएमएफ, क्या दिया गया, एवरेज। लेकिन मान लेते, बोलो क्या, बोलो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ देंगे, लेकिन उसका वैल्यू बोल दिया वन, लगता तुम नहीं सुनी, देखो इधर ध्यान दो, तो ये हो गया डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। अरे याद रहेगा, इस ईएमएफ का नाम दिया गया एवरेज ईएमएफ, क्या दिया गया, एवरेज। एक और ईएमएफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, ये टाइम हुआ ना, अरे है नहीं, अगर ये टाइम वेरी स्मॉल है, टाइम वेरी स्मॉल है, दिख रहा है ना,
अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर कम टाइम के लिए तुम चेंज कराओगे इधर ध्यान दो तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या होगा, कम होगा ना। ये टाइम इंटरवल अगर डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, डेल्टा टी क्या है वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि जीरो के आसपास है, लाइक 0.001 रहा है नहीं, या 0.01 सेकंड, तो अगर उतने टाइम में तुम चेंज करा रहे हो फ्लक्स को तो ईएमएफ भी कमी टाइम के लिए ना डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर एक लिमिटेशन हम लोग लगा दें, मान लेते हैं ये हम लोग ईएमएफ लिखे, यही चीज इक्वेशन लिख रहे हैं डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ कि ये जो टाइम भी है ना उसमें एक लिमिटेशन लगाता हूँ कि ये बहुत स्मॉल है, क्या है वेरी स्मॉल, टेंस टू जीरो। तो ये जो ईएमएफ अभी आएगा इस ईएमएफ का नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल, क्या बोलते हैं डिफरेंशियल। ये डेल्टा फाइव हो जाता है डी फाइव, डी फाइव भी बता रहा है चेंज इन फ्लक्स, क्या बता रहा है वेरी स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, और ये डेल्टा टी क्या बन जाएगा डी टी। तो यहाँ पे जो ईएमएफ की है इस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्लियर है क्या? तो फैराडे लॉ कर लोगे, बहुत आसान है, एक बार कर लेना है, इसको फटाफट लिखा दे इक्वेशन में ड्रॉ करके।